नमस्कार भाइयों, आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 23 अध्याय 23 है, हजार्ड्स एंड एक्सीडेंट्स ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन पार्ट 7। उठाने वाले कार्य करने में, लिफ्टिंग करने में क्या क्या खतरा होता है और उस खतरा के कारण क्या क्या एक्सीडेंट होता है, उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। मटेरियल उठाते वक्त क्या क्या खतरा होता है और खतरा के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें पहला सवाल होता है, क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर हजार्ड्स ऑफ क्रेन, क्रेन में क्या क्या खतरा होता है। सबसे पहले टॉपलिंग ऑफ क्रेन, बिकॉज लाइक क्रेन पलट जाने का खतरा होता है। क्रेन को पलटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इम्प्रॉपर सॉइल कंडीशन, जहां क्रेन लगाएगा अगर वही जगह सही नहीं रहेगा, वहां लूज सॉइल नियर एक्सकैवेशन एंड ट्रेंच, वहां जगह सही नहीं है, लेवल सही नहीं है, वहां लूज सॉइल है, मिट्टी भरा हुआ है नया में, बगल में एक्सकैवेशन है, गड्ढा है और बगल में ड्रेन है, तो आउटरिगर सब जो लगाएगा तो क्या होगा, मिट्टी कोलैप्स कर जाएगा और क्रेन पलट जाने का चांस होता है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। इम्प्रॉपर आउटरिगर, क्रेन में जो को स्टेबल करने के लिए, क्रेन को पलटने से बचाने के लिए और क्रेन को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, क्रेन को खड़ा रहने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, चार आउटरिगर, चार पंग लगा हुआ रहता है। अगर वो भी आउटरिगर सही से नहीं लगेगा तो क्रेन को पलटने का चांस बढ़ जाता है। क्रॉसिंग बाय काउंटर वेट, उस क्रेन के ऑपरेटर के पीछे में आगे के बूम को, लोड को सही तरीका से उठाने के लिए पीछे में काउंटर वेट दिया हुआ रहता है। वो काउंटर वेट अगर फिसल के गिर जाएगा, क्रश हो जाएगा, तो भी उसका लोड क्या होगा, फेंक देगा इधर उधर और ट्रेन पलट जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। हाइड्रोलिक फ्यूल जो है, लीकेज हो जाएगा। इसमें यही बताया जाता है, क्रेन का जो भी फंक्शन होता है वो हाइड्रोलिक फ्यूल पर निर्भर करता है। हम लोग जो काम करते हैं वो ब्लड के सर्कुलेशन पर काम करते हैं, और ब्लड भी हमारा अगर नहीं रहेगा तो हम काम करना बंद कर देंगे। वैसे ही क्रेन में हाइड्रोलिक फ्यूल अगर लीकेज हो जाएगा, उसका ताकत कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। फेलोर ऑफ लोड बेयरिंग पार्ट्स, उसको लोड करने वाला, उसको बूम को आगे पीछे करना, अगर बेयरिंग पार्ट्स जो भी है वो भी अगर खराब हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, तो क्रेन को पलटने का चांस और एक्सीडेंट करने होने का चांस बढ़ जाएगा। डैमेज टू लिफ्टिंग टैकल्स, जो भी बांधने वाला उपकरण है वो डैमेज नहीं रहना चाहिए, वो कटा फटा नहीं रहना चाहिए, जो भी सीलिंग हो, डिसाइकल हो, बोसाइकल हो और वेव सीलिंग हो, सबको काम करने से पहले चेक कर लेना जाए चाहिए तो ये सही है कि नहीं है। सडन रिलीज ऑफ लोड, किसी भी मटेरियल को अगर उठाएगा, उठाने के बाद एकाएक धाम से अगर उसको नीचे गिरा देगा तो क्या हुआ, क्रेन का स्टेबिलिटी डगमगा जाएगा और वाइब्रेशन हो जाएगा और अनलोडिंग करने के बाद क्रेन को पलटने का चांस हो जाता है। नो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, काम करने वाला जो आदमी है, जो भी उसका मेन आदमी है, वो क्रेन का जांच पड़ताल सही से नहीं किया, उसको देखभाल करना चाहिए कि इंस्पेक्शन करना चाहिए कि इसका मेंटेनेंस भी सही से हो रहा है कि नहीं है हो रहा है। इसलिए इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस भी खतरा का कारण हो सकता है और हो जाता है। हीटिंग बाय इक्विपमेंट, ट्रेन को जब चलाएगा और मूविंग करेगा,
इसके अलावा स्विंग जो करेगा तो किसी इक्विपमेंट से टकराने के कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब लिफ्टिंग प्लान में उसको बताया जाता है। कॉन्टैक्ट विथ ओवरहेड यूटिलिटीज लाइक पाइपलाइन, पावर लाइन एंड स्ट्रक्चर्स। क्रेन को उठाते वक्त क्रेन का बूम या मटेरियल किसी भी ऊपर के पाइपलाइन में, पावर लाइन में और स्ट्रक्चर में टकराने से भी एक्सीडेंट हो जाता है और बूम कोलैप्स हो जाता है और मटेरियल भी गिर जाता है, एक्सीडेंट का कारण हो जाता है। और बेड वेदर कंडीशन लाइक रेन, हाई विंड एंड पुअर विजिबिलिटी, अगर मौसम खराब है, खूब जोर से बारिश हो रहा है, आंधी तूफान चल रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्रेन को लिफ्टिंग करने से रोक देना चाहिए और काम बंद कर देना चाहिए। नो ऑथराइज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर रिगर सिग्नल मैन एंड फोरमैन। अब जो आदमी काम करेगा, ऑपरेट करेगा, क्रेन को चलाएगा, जो आदमी मटेरियल बांधेगा, जो आदमी इशारा देगा, सिग्नल मैन का काम करेगा और जो भी फोरमैन रहेगा उसको देखरेख करने के लिए, अगर वही आदमी ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट का कारण बन जाएगा, जो उसको नहीं कुछ करने सही तरीका से आता है, क्रेन को चलाने नहीं आता है, बांधने नहीं आता है, सही से उसको इशारा नहीं देना आता है, गिराना है नीचे कहेगा ऊपर उठाओ, ऊपर करेगा तो नीचे का बात बताएगा, लेफ्ट राइट का पता नहीं रहेगा, नॉलेजेबल पर्सन नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट का कारण बनता है। और इनकोरेक्ट रिगिंग एंड स्लिंगिंग मेथड, अगर काम करने वाला आदमी ही ठीक नहीं है तो कैसे वो मटेरियल सही तरीका से बांधेगा, उसको बांधने का तरीका नहीं आ रहा है, वो ठीक नहीं है, जो आदमी बांध रहा है वो मटेरियल सही तरीका से, मटेरियल को चाहिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, बीच के पर्सन में, बीच के पोजीशन में मटेरियल को बांधना चाहिए। ओवरलोड एंड ओवर टर्निंग बूम कोलैप्स, किसी भी मटेरियल को अगर उठाया जाता है उसमें क्रेन का सेफ वर्किंग लोड, सुरक्षित कार्य क्षमता के मुताबिक ही उठाना चाहिए, अगर ओवरलोडिंग कर देगा और ओवरलोडिंग करने के बाद ओवर टर्निंग, एकाएक अगर क्रेन को घुमाएगा तो बूम कोलैप्स हो जाएगा और क्रेन भी पलटने का चांस हो जाता है, एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फेलोर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन, जो मटेरियल को आप उठा रहे हैं वही मटेरियल अगर फेल हो जाएगा तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन जाएगा। कॉज ऑफ ह्यूमन फेलोर लाइक, आदमी के विफलता का क्या क्या कारण हो सकता है, आदमी के विफलता, जब आदमी ठीक नहीं है तो बैरिकेडिंग नहीं करेगा, वो व्याकुलता से रहेगा, व्याकुल में रहेगा, काम पर ध्यान नहीं देगा, सही तरीका से ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया और उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो टेंशन में रहता है, वो पूरा लापरवाह है, तो लापरवाही सब, ये सब कारण इस सब में एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो आदमी भी ठीक रहना चाहिए, इक्विपमेंट भी ठीक रहना चाहिए और जगह भी ठीक होना चाहिए। इसमें आ गया आपका एक्सीडेंट का कारण अगर बोला जाएगा तो हो गया आपका अनसेफ एक्ट, हो गया आदमी का गड़बड़ी, अनसेफ कंडीशन हो गया आपका, जगह का गड़बड़ी और अनसेफ एक्ट भी हो गया, आदमी का गड़बड़ी, अनसेफ कंडीशन भी हो गया आपका, मटेरियल का गड़बड़ी, इक्विपमेंट का गड़बड़ी और अदर कंट्रीब्यूशन जो बताया जाता है नेचुरल इफेक्ट, वो हो गया आपका मौसम, बेड वेदर कंडीशन हो गया, इससे ये सब कारण होता है एक्सीडेंट का। तो आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ है और आगे का चैप्टर अब जो बचा हुआ है आपका वो है गया क्रेन चेकलिस्ट। क्रेन चेकलिस्ट सही पढ़ा देंगे तो उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें क्या गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी, वो आप कमेंट के द्वारा बताएं और उसको मैं सुधार करूँगा। ठीक है, थैंक यू।